गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक बार हम चैप्टर 5 जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इसके रिवीजन में आपको लेकर के चल रहे हैं। तो आइए हम जाने कि इस चैप्टर में क्या क्या है और हम उसको किस तरह से लिखेंगे एग्जाम में। स्टूडेंट्स इमर्जिंग मोड्स, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बिजनेस में क्या कुछ नए मोड्स आ गए हैं, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिजनेस में हम दो तरीके से या दो मेथड्स को फॉलो करते हैं, एक तो ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड वो जहाँ पर सब पुराने सिस्टम के थ्रू काम होता है, और मॉडर्न सिस्टम वो जहाँ पर अभी जो लेटेस्ट यानी कंप्यूटराइज सिस्टम है उस तरीके से यानी इंटरनेट को यूज़ करते हुए काम होता है। आपने देखा होगा कि अभी लगभग सभी बिजनेस कंप्यूटराइज हो गए हैं, सभी लोग मोबाइल फोन का यूज़ करते हैं, सभी लोग कंप्यूटर एंड इंटरनेट दोनों को ही यूज कर रहे हैं। तो उसको हम किस तरह से अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उससे हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या क्या बेनिफिट होंगे, कैसे बेनिफिशियल होगा, वो हम यहाँ पर इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने बात की कि यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू बिजनेस को जो किया जाएगा उसको हम ई बिजनेस का नाम देंगे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वो मोड है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि कंप्यूटर को यूज़ करते हुए, इंटरनेट को यूज़ करते हुए हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो जो इस तरीके के प्लेटफॉर्म दे रही हैं जो अपने बिजनेस को जिससे एक्सपेंड वो लोग ने कर दिया है। इससे क्या हुआ कि वाइडर रीच रही, कस्टमर्स के आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, 24 आवर सर्विस अवेलेबल है और चीप रेट पर गुड्स, अच्छी क्वालिटी का गुड्स अवेलेबल हो जाता है। तो स्कोप देखें पहले ई बिजनेस का, किन किन लोगों के लिए स्कोप है। देखिए स्कोप ई बिजनेस का बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन भी है, बिजनेसमैन टू कस्टमर भी है और कस्टमर टू कस्टमर भी है, जिसको हम थ्री मोड्स में हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। देखो कौन कौन सा स्कोप है, जैसे बी टू बी कॉमर्स। फर्स्ट पॉइंट है बी टू बी कॉमर्स यानी बिजनेस टू बिजनेस। आपने देखा होगा अभी आज की डेट में एक बिजनेसमैन जो दूसरे बिजनेसमैन यानी कि जो लीडिंग बिजनेसमैन को रिक्वेस्ट भेजता है, वो भी ऑनलाइन ऑर्डर्स भेजे जा रहे हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट की सप्लाई हो रही, गुड्स की सप्लाई हो रही है, बिल्स ऑनलाइन हो रहे हैं, पेमेंट ऑनलाइन हो रही है, यानी बिजनेस टू बिजनेस जो बिजनेस का बिजनेस की हेल्प के लिए जो हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं उसमें ये बहुत बेनिफिशियल, बिजनेस टू बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिशियल हो रहा है। नेक्स्ट है बिजनेस टू कस्टमर बी टू सी। ठीक है, यानी कि अभी देखिए आप खुद ही देखिए कि बहुत सारे आपने बिजनेस, बहुत सारे ऐसे आपने ऑर्डर्स दिए होंगे, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है या और भी कंपनी की साइट है, उन पर जो आप लोगों ने ऑर्डर्स देते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और सीधे आपके डोर स्टेप पर वो सामान पहुंच जाता है और बहुत चीप रेट पर वो सामान आपको अवेलेबल हो जाता है। तो ये बिजनेस और कस्टमर, बिजनेसमैन और कस्टमर के बीच के एक रिलेशन को भी इसने स्ट्रॉन्ग कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास मोड है वो है कस्टमर टू कस्टमर, सी टू सी या इंट्रा बी कॉमर्स के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं, यानी कि जिसमें बी टू बी और बी टू सी दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, इसका एक और मोड भी है जिसके हम बात कर सकते हैं सी टू सी। इंट्रा बी की जगह सी टू सी को आप देखिए, यानी आपने देखा होगा कि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है, एक कस्टमर यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी को, दूसरे कस्टमर को ये बता रहा है, अपने साथी को ये बता रहा है, देखो मैं ये प्रोडक्ट परचेज किया है, मैंने यहाँ से परचेज किया है, ये वाला देखो। तो वो उसको इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, प्रोडक्ट की फोटोज भी भेज रहा है, वो वहीं से उसको देख रहा है और आगे ऑर्डर्स की सप्लाई और आगे कंपनी को वो अपनी डिमांड के हिसाब से वो ऑर्डर दे रहा है, यानी कि बिजनेस को इम्प्रूव करने में कस्टमर्स के लिए भी इंटरनेट को की हेल्प लेते हुए इन्होंने भी इम्प्रूव किया है, बिजनेस को इम्प्रूव किया है। यानी कि किन किन को फैक्ट बेनिफिट हुआ है, बिजनेस टू बिजनेस के लिए भी ये बेनिफिशियल हुआ है, बिजनेस टू कस्टमर के लिए भी ये बेनिफिशियल हुआ है और कस्टमर टू कस्टमर भी ये बेनिफिशियल हुआ है, जिसको हम सी टू सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी अगर हम ई बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस से हम अगर कंपेयर करें तो हम देख पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे हैं
देखेंगे ड्रॉबैक्स थे ट्रेडिशनल मेथड में कि हम उसको प्रॉपरली बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे, फास्ट नहीं था, बहुत सारी ऐसी चीजें ट्रेडिशनल बिजनेस में थी। लेकिन अभी क्योंकि नए जो न्यू इरा है इसमें आपने देखा होगा कि इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कंप्यूटर्स बहुत रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो बिजनेस को इंक्रीज करने में आप देखिए कि ये ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है। रिकॉर्डिंग में इजी हो रहा है, पहले हाथ से रिकॉर्ड सभी बिजनेसमैन रखते थे, अभी वो बिजनेस जितनी भी एंट्रीज हैं वो कंप्यूटर पे होती हैं, आप कितनी भी एंट्रीज आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, बाद में जब चाहे उनको डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उनको ऑडिट करना इजी हो गया है। तो बहुत सारे तरीके से ये जो मॉडर्न बिजनेस मेथड है यानी कंप्यूटर एंड इंटरनेट है, ये बहुत बेनिफिशियल बिजनेस के लिए हो गया है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम बेनिफिट्स पर डिस्कशन करेंगे कि जो ई बिजनेस या इंटरनेट बिजनेस या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस आया है इस ये बिजनेस के लिए या किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल हुआ है। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।